पानीपत में आयोजित मैराथन में प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे। मैराथन के उद्घाटन के मौके पर सीएम सैनी ने लोगों को बधाई दी और कहा कि शहर की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी। हरियाणा में ऐतिहासिक शहर पानीपत में एक नया इतिहास बना, जहां राज्य स्तरीय मैराथन का आयोजन किया गया। इस मैराथन में 54,000 से ज्यादा धावकों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राज्य के सीएम नायब सिंह सैनी रहे। सीएम सैनी ने हरी झंडी दिखाकर इस दौड़ का औपचारिक उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यहां कहा कि पानीपत की मैराथन में हजारों बच्चों, महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों ने हिस्सा लिया है। इसका उद्देश्य है कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, ताकि ये देश और प्रदेश विकास की एक गति से आगे बढ़ सके। मैं आज इस मैराथन के अंदर, पानीपत मैराथन के अंदर जितने भी हमारे सम्मानित पानीपत के नागरिक हिस्सा लिया है, ये मैराथन हर रोज चलनी चाहिए। इससे आपस में भाईचारा, प्रेम और इकट्ठे हम जब चलते हैं तो उसका भी बड़ा लाभ हमें मिलता है। मैं ये आह्वान करना चाहूँगा पानीपत के सभी सम्मानित नागरिकों से कि ये मैराथन आज नहीं, ये हर रोज होनी चाहिए, इकट्ठे होकर के होनी चाहिए, ताकि हमारा शरीर स्वस्थ और बीमारियों से दूर रहे, हम आगे बढ़ सकें। सीएम ने यहाँ कहा कि इस भूमि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पूर्व मुख्यमंत्री ने भी इसी अभियान को आगे बढ़ाया, जिसकी वजह से लाखों की संख्या में देश की बेटियां बची हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आह्वान किया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उस अभियान से देश के अंदर लाखों की संख्या में बेटियों को जीवन दान देने का काम इस अभियान के साथ हुआ है। आदरणीय मनोहर लाल जी ने इस अभियान के साथ जुड़ करके सामाजिक संस्थाओं को साथ लेकर के इस अभियान को गति से आगे बढ़ाया और उसका परिणाम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लाखों की संख्या में देश के अंदर बेटियां बची हैं। इस दौरान सीएम ने हरियाणा में चल रहे बीजेपी के सदस्यता अभियान के बारे में भी जानकारी दी और कहा कि अभियान जोर शोर से चल रहा है और हम पार्टी को मजबूती देने में जुटे हुए हैं। देखिए, कल सदस्यता महाअभियान ये भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है और उसमें 50 लाख का हरियाणा का टारगेट सदस्यता अभियान का रखा गया है और उस अभियान के तहत हमारे सभी विधायक, हमारे सांसद, पार्टी के पदाधिकारी, हमारे जिला के अध्यक्ष, हमारे मंडलों के अध्यक्ष, हमारे बूथ के माननीय अध्यक्ष, हर बूथ के ऊपर हमने लगभग 350-400 का टारगेट मेंबरशिप का रखा है। उस मेंबरशिप से लगातार लोगों के साथ जुड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को मजबूत करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय जगत प्रकाश जी नड्डा और आगे बढ़ाते हुए इस सदस्यता अभियान के अंदर हर नागरिक भाग ले। वहीं हरियाणा में कर्मचारियों पर पूछे गए सवाल पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार ने जो भी काम किए हैं वो पूरे हैं और सभी कर्मचारियों को हमने सुरक्षित करने का काम किया है। कि जो 1,20,000 युवाओं को, कर्मचारियों को हमने सुरक्षित किया है, उन सब के नोटिफिकेशन हो गए हैं, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ना आने देंगे। हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी है। सरकार बनने के बाद सीएम एक्शन मोड में है और ताबड़तोड़ फैसले भी ले रहे हैं, साथ ही विपक्ष के सवालों का भी बेबाकी से जवाब देते नजर आ रहे हैं। डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।